असल मैंने शार आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मकान सोलूशन बहुत से क्लाइंट्स की तरफ से जो है वो सवाल किया जाता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैंबरान को जो है वो वो प्रॉफिट क्यों नहीं मिल सका जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी के मेम्बर्स को जो है वो मिला है कैपिटल स्मार्ट सिटी को लॉन्च हुए हुए जो है वो पाँच साल हो चुके हैं लेकिन इनके मैंबरान को जो है वो वो प्रॉफिट नहीं मिला जिनके वो हकदार थे देखें इसकी जो है वो मल्टीपल रीजनस हैं जिसकी वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो फाइल्स हैं उस तरह प्रॉफिट में जो है वो नहीं जा सकी The first reason that comes to my mind is mishandling of executive block block members. Capital Smart City management 2018 end launch किया गया अभी जो पहला ने launch किया था आज पांच साल गुजर जाने के बाद वो उसकी land फिर भी जो है वो लेटिकेटेड है वो क्लियर नहीं है उन लोगों को जो है वो पोजिशन नहीं मिल सका इवन दोनों ने पेमेंट क्लियर किए दो साल तीन साल जो है वो हो चुके हैं और वो वहां पे अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन वहां पे घर नहीं बना सकते क्योंकि वो लैंड जो है वो डेवेलप नहीं है वो लैंड जो है वो लेटिकेटेड है इसमें सबसे बड़ी जो मिस हैंडलिंग है वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से कि वो अगर इसको चाहते तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते थे देखिए जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने पहला ब्लॉक अपना लॉन्च किया था एग्जैक्टिव ब्लॉक अगर वो लेटिकेटेड है अगर उन्हीं के मेम्बर को जो है वो पोजिशन नहीं मिला

लेकिन इसमें डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट जो है वो मिस हैंडलिंग जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट की तरफ से हुई है देखिए अगर आपको दो साल तक या तीन साल तक वो लैंड नहीं मिली तो सोसाइटी को चाहिए था कि वो फॉरन उस चीज का जो है वो एक्शन लेती और उन मेम्बरान को जो है वो न्यू ब्लॉक में जो है वो मूव करते और उन्हें हंड्रेड परसेंट जो है वो डेवलप पोजिशनबल प्लॉट देते लेकिन आज पांच साल गुजर जाने के बाद भी एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेबर्स जो है वो उनको लैंड नहीं मिली उनको पोजिशन जो है वो नहीं मिला ना ही उनकी फाइल्स पर जो है वो प्रॉफिट आया अब कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने जो है वो डिसाइड किया कि ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं उनको बड़ी ईद के बाद जो है वो सीज वेस्ट में मूव किया जाएगा ये डेफिनेटली बहुत अच्छा जो है वो स्टेप है लेकिन ये स्टेप जो है वो आज से दो साल पहले तीन साल पहले ले लेनी चाहिए थे ताकि जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बर्स थे उनको ये चीज मिलती कि चले एक ब्लॉक सोसाइटी ने हमें लॉन्च किया एक लोकेशन जो है वो हमें डिफाइन की उसकी लैंड नहीं एक्वायर हो सकी तो सोसाइटी ने हमें डेफिनेटली उसमें एडजस्ट किया और अच्छे ब्लॉक में अच्छी लोकेशंस पर जो है वो मूव किया इससे मार्केट में जो है वो नेगेटिव परसपेक्टिव ना जाता कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास जो है वो लैंड नहीं है और कैपिटल स्मार्ट सिटी अपने मेबरान को जो है वो उस तरह जो है वो नहीं देती क्योंकि एक्जेक्टिव ब्लॉक के जो फैक्ट्रीज हैं वो काफी बड़े हैं देखें एक जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें अराउंड ट्वेल्व टू थर्टीन ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक में अराउंड थ्री हंड्रेड जो है वो प्लॉट्स हैं तो कम अज कम फोर टू फाइव थाउजेंड हैं है ब्लॉक के जिनको पांच साल बाद पोजिशन जो है वो नहीं मिल सका अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने टाइमली जो है वो इनिशिएटिव लिए होते एग्जैक्टिव ब्लॉक के मेहमान को जो है वो उसी ब्लॉक में मूव किया होता या ऐसी जगह पे मूव किया होता जहाँ पे प्लॉट जो है उनके पास थे डेवलप्ड थे पोजिशनेबल थे तो डेफिनेटली इशू बहुत पहले जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता और इससे मार्केट में जो है वो एक बहुत अच्छा रिस्पॉस जाता कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने जो है वो टाइमली जो है वो एक्शन लिए और जितने भी अपने फैक्ट्रीज थे एग्जैक्टिव ब्लॉक को उनको एक अच्छी जगह पर जो है वो मूव किया

2019 के एंड पर ही कैपिटल स्मार्ट सिटी के के मैनेजमेंट ने नाम से जो है वो ब्लॉक लॉन्च किया जिसका फिर जो है वो टू थाउजेंड ट्वेंटी के एंड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने ओवरसीज टू और एग्जेक्टिव टू के नाम से जो है वो ब्लॉक लॉन्च किए अब ओवरसीज टू का नया नाम जो है वो ओवरसीज सेंट्रल है फिर दो साल के गैप के बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने ट्वेंटी ट्वेंटी में ओवर टू और एक्जिव टू का जो है वो नया कोटा लॉन्च किया और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में जो है वो ओवरसीज प्राइम टू के नाम से जो है वो न्यू ब्लॉक जो है वो लॉन्च किया अब ये जो पाँच साल गुजरे इसके अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने कॉन्टीन्यूसली जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स है वो लॉन्च किए जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई देखिए अगर आपने एक प्रोडक्ट जो है वो 19 लाख ,00 की जो है वो सेल आउट किया है और उसमें भी प्रॉफिट आना जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है आफ्टर ईयर और आफ्टर 1.5 और आप सोसाइटी जो है उसके फॉरन बाद जो है वो एक नया ब्लॉक लॉन्च कर देती है 24 लाख ,00 में तो डेफिनेटली जो लोग हैं वो 24 लाख ,00 की तरफ अट्रैक्ट होंगे द रीजन इज कि उसमें भी तीन साल का जो है वो पेमेंट प्लान रहता है कोई भी जो है वो इंडिविजुअल जो है प्लॉट नहीं बाय करेगा जिसकी पेमेंट 50 परसेंट जो है वो क्लियर और उसके ऊपर उसको प्रॉफिट भी देना पड़े पीपल वुड प्रेफर कि यार हम ऐसा ब्लॉक जो है वो लें ऐसे प्लॉट्स जो है वो लें जिसका स्टॉलमेंट प्लान जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो यही रीजन है कि जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स लॉन्च करने की वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी की वो मार्केट नहीं हो सकी जो कि डेवलप होनी चाहिए थी अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा सा थोड़ सा ब्लॉक्स की लॉन्चिंग में डिले करती तो मार्केट जो है वो और बेहतर होती देखें कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी तक कोई भी ब्लॉक जो है वो लॉन्च नहीं किया और यही एक साल से लेकर डेढ़ साल का टाइम फ्रेम था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट ने जो है वो बूम किया कमर्शियल प्लॉट है वो दो करोड़ ढाई करोड़ प्रॉफिट में जो चालीस लाख पचास लाख प्रॉफिट में गए कमर्शियल अराउंड फोर्टी लाख फिफ्टी लाख फोर मिला कमर्शियल एंड एटी लाख नाइन लाख आठ मला का जो है वो, वो कमर्शियल गया लेकिन क्योंकि सोसाइटी ने उसके फौरन बाद एक ब्लॉक जो है वो लॉन्च कर दिया

एंड वन ऑफ द रीजन दैट कैपिटल स्मार्ट सिटी वॉज सोल्ड आउट बिकॉज इट वॉज सेट दट कैपिटल स्मार्ट सिटी इज गोइंग टू गट अ डेडिकेटेड इंटरचेंज ऑन द मेन M2 टू मोटरवे जो वाहिद रीजन जिसकी वजह सेपिटल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो सोल्ड आउट हुआ था वो थे कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने ये मेबरान के साथ जब कमिटमेंट की थी दैट वी आर गोइंग टू गैट अ डेडिकेटेड इंटरचेंज ऑन द एम टू मोटरवे देखिए पाकिस्तान में रहते हुए आपको इस चीज़ का बेहतर आइडिया होना चाहिए कि गेटिंग एन इंटरचेंज ऑन द मोटरवे इज नॉट ईजी एट ऑल यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट जो है वो डिफिकल्टीज uh, है जिसको पास करते हुए जो है वो आपको एक इंटरचेंज जो है वो मिलता है लेकिन जिस वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बरान में और मैनेजमेंट जब में जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट आया दैट वाज दैट मल्टीपल कमिटमेंट्स फॉर मेड रिगार्डिंग द इंटरचेंज टू थाउजेंड ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग वो सेल्फ ऑथराइज डीलर्स एंड कैपटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट उन्होंने ये जो है वो मार्केट करना स्टार्ट किया कि दैट वी आर गोइंग टू गेट एन इंटरचेंज विद इन विदिक्स मंथ्स वी आर गोइंग टू गेट इंटरचेंज विद इन नाइन मंथ्स वी आर गोइंग टू गेट इंटरचेंज विद इन वन ईयर पांच साल में ये कमिटमेंट्स मिनिमम जो है वो एट टू टेन टाइम्स जो है वो की गई जिसकी वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बरान ऑथराइज डीलर्स और, और मैनेजमेंट में जो है वो एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इज नॉट एबल टू तो फुलफिल हिज कमिटमेंट्स उसमें डिले आता गया जिसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो पैदा हुआ मेम्बरान और सोसाइटी के दरमियान में इसी वजह से मार्केट जो है वो बेहतर नहीं हो सकी अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज पहले ओपन हो जाता या फिर मेम्बरान को टाइम फ्रेम जो है वो दिया जाता है कि दैट राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट एंड वी आर गोइंग टू गेट इंटरचेंज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और दिस टाइम तो एक मेम्बरान को जो है वो क्लैरिटी होती कि दैट वी आर गोइंग टू गेट एन इंटरचेंज इन ट्वेंटी तो उसके मुताबिक जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं देखिए मल्टीपल मिस कमिटमेंट्स के बाद जो है तो वो मेम्बरान में एक ट्रस्ट डेफिसिट आता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी हैज नॉट बीन एबल टू फुलफिल हिस्स कमिटमेंट्स जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो इम्पैक्ट आया और लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो रोका और वहां से जो है वो एग्जिट किया अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो दैट वाज अ चार्ज पॉलिसी अनाउंस बाय स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट इन 2022। ट्वेंटी स्मार्ट सिटी के मैब्राम के लिए जो बेस्ट टाइम था जिनमें उनको मैक्सिमम रिटर्न मिला था दैट 2021 एंड एंड के पे स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज का जो है वो एनओसी जो है वो क्लेड हुआ था जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरी आई थी सेकंड थिंग इस एक से डेढ़ साल के टाइम फ्रेम में कैपड़े स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने कोई भी ब्लॉक जो है वो लॉन्च नहीं किया था ना ही मार्केट में कोई फ्रेश बुकिंग जो है वो अवेलेबल थी सभी कमर्शियल थे वो रीसेल में अवेलेबल थे और मार्केट मार्केट ने ने जो 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 है 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 वो वो बेहतरीन तरीके से एक्सेप्ट किया वो मार्केट ने वो किया और हमने देखा कि आठ मला का कमर्शियल प्लॉट जो कि टेन लाख फिफ्टीन लाख प्रॉफिट पे था इट वेंट वन पॉइंट फाइव करोड़ टू करोड़ प्रॉफिट जो ढाई मला का कमर्शियल प्लॉट था वो नेगेटिव में था पांच लाख छह लाख रूपये इट वेंट विद इन फ्यू वीक्स इट वराउंड ट्वेंटी फाइव थर्टी लाख रुपीज देखें ये चीज जब होती है कि मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं होती सभी प्लॉट है वो रीसेल में अवेलेबल होते हैं तो मार्केट में जो है वो बहुत बेहतरी आती है और ये चीज हमने जो है वो देखी अभी ये जो डेढ़ साल का टाइम फ्रेम था मार्केट जो है वो बहुत बूमिंग जा रही थी ग्रेजुअली जो है वो प्रॉफिट जो है वो बेहतर होता ट्वेंटी ट्वेंटी टू के स्टार्ट में कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने सरचार्ज पॉलिसी जो है वो अनाउंस कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू पे योर इंस्टॉलमेंट्स We are going to put such on your plots. और जिसकी वजह से मार्केट जो है वो एक नेगेटिव में चली गई और में जो किया, क्योंकि लोगों के पास जो प्लॉट्स है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट रहे थे उसी से उन्होंने जो अपनी प्लॉट्स की जो वो इंस्टॉलमेंट की और मार्केट से जो है वो बाइंग करना रोक दी आहिस्ता आहिस्ता जो प्रॉफिट दो करोड़ था वो वन एटी हुआ वन सेवेंटी हुआ वन सिक्सटी और आहिस्ता आहिस्ता होते हैं मार्केट जो है वो एक करोड़ दस एक करोड़ बीस पर जो है वो स्टैंड करती है दो चीज़ें जो कॉन्टीन्यूसली इसके साथ हुई दैट वॉज डिवेल्यूशन ऑफ़ द रुपी एंड चेंजिंग ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट ये चीज़ों ने भी मार्केट में जो है वो एक रोल प्ले किया और मार्केट जो है वो नेगेटिव में चली गई अगर हम फोर्थ सीजन की बात करें तो जहां पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट और डीलर्स की तरफ से जो है वो मिस कमिटमेंट्स और गलत फैसले थे वहां पे मेम्बरान की तरफ से भी जो है वो बहुत ज्यादा गलत फैसले थे बहुत से मेम्बरान ने जो है वो एक्सेसिव फाइल्स है वो बाय की और बेट्स की लालच में जो है वो ज्यादा फाइल्स बाय की देखें अगर एक इंडिविजुअल के पास है वो कैपेसिटी थी टेन मिलियन की इन्वेस्टमेंट की तो ही शुड हैव बॉट टू फाइल्स और थ्री फाइल्स लेकिन उसने अपनी ज़्यादा की लालच में या डीलर के कहने पर जो है वो आठ से दस फाइल्स पाई करनी और ये सोचा कि चले मैं बाद में जो है इंस्टॉलमेंट्स के टाइम पे जो है वो देखूंगा कि इसको क्या करना है जब सोसाइटी की तरफ से जो है वो प्रेशर आया तो उसने अपनी आठ से नौ फाइल्स है वो ऊने पौने दामों जो है वो बेची और अपने एक प्लॉट को जब वो कंटिन्यू किया यही रीजन है कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब गई और उसको जो है वो रिटर्न नहीं आया अगर आप फर्स्ट टाइम से ही एक से दो फाइल जो है वो बाय करें और उसको प्रॉपरली है वो कंटिन्यू करें तो आपको उसके ऊपर मैक्सिमम जो है वो रिटर्न मिलेगा सेकेंड रीजन है इसके लोगों ने रिबेट की लालच में जो है वो ज्यादा से ज्यादा फाइलें बाय की और गलत फाइल है वो बाय की मैं इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप एक करोड़ रुपए की एक जो है वो केनाल की फाइल ले रहे हैं और इफ़ समी इज गिविंग यू फिफ्टी लेस तो आप उससे जो है वो फाइल ले लेंगे देखिए कितनी इन लॉजिकल सी बात है कि आप एक करोड़ रुपए की प्रोडक्ट ले रहे हैं और कोई आपको पचास हजार रुपये सत्तर हजार है और आप उससे फाइल ले रहे हैं बगैर ये चीज सोचे हुए कि क्या प्रोडक्ट जो है वो मैंने बाय कर रहा हूँ उसमें इतना पोटेंशियल है भी कि मुझे बाय करना चाहिए लेकिन उस इंडिविजुअल की जो वो थॉट थी वो ही वॉज फोकसिंग ऑन फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पचास हजार रुपये जो है वो फोकस कर रहा था नॉट रियलाइजिंग जो प्रोडक्ट वो बाय कर रहा है उसकी वैल्यू जो है वो करोड़ रुपए है वो करोड़ रुपया उसने पे करना ही करना है, तब उसको जो है वो रिटर्न आएगा जिसकी वजह से वो स्टक हो गया और उसको जो है वो वो रिटर्न नहीं आ सके एंड द फिफ्थ रीजन दैट कम्स टू माई माइंड इज मल्टीपल मिस कमिटमेंट फ्राम द मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी देखें कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने इंटरचेंज के अलावा भी बहुत सी कमिटमेंट्स जो है वो अपने मेहमान के साथ की थी जो फुलफिल नहीं हो सकती उसकी अगर मैं एक छोटी सी सुन बहुत सी एक्जैम्पल्स हैं लेकिन उसमें से मैं सुन दैट वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विलास स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने जब ऑफिस पोजिशन ऑफ देर विलास तीन साल चार साल गुजर जाने के बावजूद भी मेब्रान जब वो आज भी वेट करेंगे उनको विलास का जब वो पोजिशन कब मिलेगा सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने ये ऑफिशियल नोटिस निकाला था ट वी आर गोइंग टू गिव पोजिशन फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम सप्तम्बर ऑनवर्ड्स लेकिन उसको सप्तम्बर की डेट को गुजर हुए भी आज जो है वो सात महीने हो चुके हैं लेकिन मेमरान को विलास का जो है वो पोजिशन नहीं मिला जिससे वो डेफिनेटली जो ट्रस्ट बना था कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बर का कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ उसमें जो है वो गैप आया जिससे मार्केट ने जो है वो नेगेटिवली रिएक्ट किया और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो कुछ को सेल आउट कर दिया कुछ को जो है वो मर्ज करवा दिया क्योंकि वो ट्रस्ट है वो नहीं रिटेन कर सके कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि मेब्रान को तो प्रॉफिट जो है वो नहीं आया तो अब उनको करना क्या चाहिए लेकिन द इजिएस्ट सोल्यूशन एस कि आप जो है वो डीलर्स को गालियां दे जिनसे आपने जो है वो प्लॉट लिया या थोड़ी सी गालियां जो है वो मैनेजमेंट को दे या यूट्यूब के कमेंट्स में हलाल और हराम के जो है वो फतवे दे या फिर आप थोड़ा सा जो है वो सबर करें कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है इंटरचेंजर फाइव इट इज गोइंग टू गेट ओपन जिससे मार्केट में जो है वो बेहतरी आएगी और ये फर्स्ट टाइम नहीं है हमने इससे पहले भी देखा है गुलबर्ग की एग्जाम्पल आपके सामने है जब गुलबर्ग को जो है वो मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे अंडर पास मिला था दस मला प्लॉट की जो वैल्यू अराउंड थर्टी लाख फोर्टी लाख रुपीज थी विद इन एन ईयर इट वेंट अराउंड नाइनटी लाख वन करोड़ रूपीज तो आप थोड़ा सा सब्र कर लें रेदर देन आप अपनी फाइल्स जो है वो नेगेटिव में बेचें या डी को गालियां निकालें या सोसाइटी को बुरा भला के या यूट्यूब कमेंट्स में जो है वो आप बुरा भला करें इट इज बेटर टू होल्ड फॉर सिक्स मंथ्स और फॉर वन ईयर देखें कैपिटल स्मार्ट सिटी की प्रोडक्ट्स में इतना पोटेंशियल है कि वो आपको एक अच्छा से अच्छा जो है वो रिटर्न दे सकता है डेफिनेटली इट हैज बिन डिलेड लेकिन वो अच्छे से अच्छा रिटर्न आपको जो है वो मिलेगा आपको सिर्फ थोड़ा सा जो है वो सबक करना होगा मार्केट का जो है वो बेहतरी का इंतजार करना होगा देखें अगर आप एक प्रोडक्ट जो है वो मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी अगर आप आज की डेट में 2025 2026, वो जो वो पांच करोड़ की हो जाती है छे करोड़ की हो जाती है। तो उसने आपको फिर भी एनुअली परसेंट सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट का जो वो रिटर्न आपको जो वो दिया है रहते हैं दिस तीन साल बाद चार साल बाद मुश्किल वक्त का जो है वो वेट करें उसको जो है वो प्लॉट को जो है वो बेचते हैं टेन परसेंट रिटर्न पे फिफ्टीन परसेंट रिटर्न पे और इवन टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट लॉस पे आप जो है वो एग्जिट करते हैं देखिए अभी आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां से आप इन्वेस्टमेंट निकाल के किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो होल्ड ऑन करें यू शुड वेट फॉर सिक्स मंथ्स और फॉर वन ईयर वेट फॉर द इंटरचेंज जैसे इंटरचेंज होगा मार्केट में जो है वो एक बेहतरी आएगी मार्केट जो है वो बेहतर रिएक्ट करेगी तो आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू वो बेहतर होगी और आपको एक साल बाद या छः महीने बाद जो है उसका बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न मिल जाएगा आपको अभी जो है वो एग्जिट नहीं करना चाहिए आपको फाइल्स अपनी जो है वो नेगेटिव में नहीं बेचनी चाहिए सो व्यूर्स दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग या इंस्टॉलमेंट्स के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे दीवे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें एंड डू विजिट अवर वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोल्यूशन डॉट कॉम अगली वीडियो तक सीमा को दीजिएगा जज अल्लाह हाफिज